अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। अच्छा, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही सोशल इश्यूज़ पे बात कर ली हैं। बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम कर के हम दुआ जहरा के जैसे केसेस से बच सकते हैं। मैंने इस केस को रिलीजियसली पूरा फॉलो किया, मैंने इसको शुरू से 4 महीने तक, अभी भी मैं देखती हूँ कि किस तरह से क्या हो रहा है। और इसका ओवरव्यू मैं देती चलूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो सब लोगों को पता ही है दुआ जहरा केस के मामले में कि क्या क्या होता रहा है, लेकिन ओवरव्यू ये है कि एक लड़की है जो कि 3 साल से पबजी खेल रही थी, और शी वॉज इन रिलेशनशिप, जो कि 10-11 साल की उम्र से ही शी वॉज इन रिलेशनशिप विद सो कॉल्ड जहीर। और जहीर का जो ताल्लुक था या जहूर की फैमिली का जो ताल्लुक था, वो पूरा प्रॉपरली एक गैंग फैमिली थी जो कि लड़कियों को इस तरह से वरगलाती थी, और फिर उनको जाके उनका जो हशर करते थे और आगे ले जाके भेज देते दुबई वगैरह में, आपको पता है किस तरह का माहौल है, तो वहाँ ले जाके इस तरह से वो भेज देते थे। तो दुआ जहरा का जब केस आया, शी वॉज़ अ शिया गर्ल, तो उसके जो फादर थे, पहले तो 2-3 दिन उन्होंने जो है वो करवाते रहे, कंप्लेंट्स करवाते रहे, और उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने JDC के जो हमारे बानी हैं उन तक वो पहुंच गए, और फिर उन्होंने उस केस को बहुत ज़्यादा इतना हाईलाइट किया कि वो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। ठीक है, तो लेकिन मैं दाद देती हूँ उस माँ बाप को, उन माँ बाप को मैं बहुत ज़्यादा दे आर वेरी हाईली अप्रिशिएबल कि किस तरह से वो हर चीज़ के आगे खड़े रहे, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनसे बदतमीज़ी की गई, उनसे पैसे मांगे गए, लेकिन उन माँ बाप की हिम्मत को मैं कहती हूँ सलाम है, जो कि बेटी के लिए हर मौके पर हर तरह से वो खड़े रहे, चाहे वो पंजाब में मामला हो, चाहे वो सिंध में मामला हो, वो टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहे मीडिया को, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपडेट करते रहे, और बहुत सारे लोगों की दुआएं जो थी वो काजमी के साथ थी, मेहदी अली काजमी साहब के साथ थी, और इसी तरह फिर वो फाइनली आफ्टर 4 मंथ्स, आप सिर्फ ये सोचें कि बेटी जिस माँ बाप की वो बेटी है, जो कि माइनर है, 14 ईयर्स है, यहाँ हमारे इंसान आपका आलम ये देखिए कि उनको अपनी ही बेटी को लेने के लिए 4 महीने सफ़र करना पड़ा, एक ज़हनी अज़ियतों से, एक जिस्मानी अज़ियतों से और आजमाइशों से इतना ज़्यादा गुजरना पड़ा। ये हाल है हमारे मुल्क के इंसाफ का और पुलिस का। पुलिस तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल यूज़लेस फोर्स है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इट्स कम्प्लीटली यूज़लेस। इस तरह से उनका नाम चेंज करके गार्ड्स रख देना चाहिए, जो कि प्रोटोकॉल गार्ड्स, ये गार्ड्स की जो है वो एक डिफरेंट काइंड्स बना देनी चाहिए, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते सिवाय लोगों को लूटने के। और लोगों को आपने जिस तरह से देखा है कि कहीं कहीं चोरी डकैतियों में ये खुद भी शामिल होते हैं, ये सबसे पहले खुद ही शामिल होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा इनको हराम खाने की आदत होती है कि इनको फिर कुछ समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा, मैंने दुआ जहरा के से अल्लाह ताला उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के हक़ में बहुत अच्छा करे, बेहतर करे, और मेंटल ट्रॉमा से जिस तरह से वो गुजरी है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि आइंदा जो है वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने दुआ जहरा केस से कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए कि किस तरह से एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज ऑन द 360 डिग्री, और पेरेंट्स को अब किस तरह से अपने यूथ को लेके चलना है, जो बच्चे हैं उनको लेके चलना है। इट्स नॉट ओनली कि लड़कियां ही हैं, लड़के भी हैं। ठीक है, लड़कों पे भी आपने इतनी ही निगाह रखनी है जितनी आपने लड़कियों पर रखी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमें क्या करना चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को कि किस तरह से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ की क्या लिमिट्स हैं, किस चीज़ को कितना ज़्यादा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका उनके टाइमिंग्स होने चाहिए, उनको कितना इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। आजकल तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब की या फिर दूसरी एप्लीकेशन से उनकी पेरेंट सेटिंग भी आ गई है। ठीक है, तो आप बिग अप पेरेंट, आपको पहले खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है, खुद आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके अन्य की आपकी अपनी औलाद के लिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, औलाद की सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें या क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। सबसे पहले जो इंटरनेट का जो मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है और मिसयूज़ बे इंतहा हो रहा है, तो उससे आप अपने लोगों को, आप सबको तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपने अपनी औलाद को किस तरह से लेके चलना है, आप अपने लिए क्या बना सकते हैं, लिमिटेशन बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं बच्चों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और किस तरह से इन चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता है। कहने के लिए तो ये केस जो है वो एक मिसाल बन गया है पूरी दुनिया के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, इट्स फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले तो आप
आप बच्चों को मोबाइल एक जब तक वो बड़े हो जाएं, 15-16 साल के हो जाएं, या फिर आप उनको कुछ घंटों के लिए मोबाइल दिया करें यूज़ करने के लिए, आप उनके 24/7 मोबाइल यूज़ करने पर पाबंदी लगाएं। ठीक है, अगर वो पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं दैट्स फाइन, दोस्तों से बात करते हैं एक घंटा दोस्तों से बात कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, 24 घंटे दोस्तों से बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कुछ उनके लिए लिमिट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, आपने ये एप्लीकेशंस करने हैं और आपने ये एप्लीकेशंस नहीं करनी है। अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट द एप्लीकेशंस तो वो आपके यूट्यूब पर आप जो भी जिस भी एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहेंगे, जिनकी सेटिंग बारे में जानना चाहेंगी, वो बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो बराए मेहरबान अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चों का भी मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल इस तरह से ना हो, या ऐसा कोई अल्लाह ना करे हादसा हमें देखने के लिए ना मिले, तो बराए मेहरबानी आज ही से मेजर्स लेने शुरू कीजिए। टीन एज जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने की एज होती है। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों के दोस्त कौन से हैं, उनकी फैमिलीज कैसी हैं, उनके पेरेंट्स क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जो कि को एजुकेशन है, टिल मैट्रिक और जिस तरह में, कुछ ऐसे हैं कि वो 5th तक तो को एजुकेशन होते हैं और उसके बाद फिर वो बॉयज़ अलग और गर्ल्स अलग होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर गर्ल्स का सेपरेट स्कूल है आप करवा सकते हैं तो आप उनको करें, क्योंकि उससे बहुत सारी बुराइयों से इंसान बच जाता है। आपको पता है को एजुकेशन के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन बच्चे हैं वो उनका बिगड़ने में देर नहीं लगती है, वो जो चीज़ें देखते हैं वो सीखते हैं, जो वो सुनते हैं देखते हैं अपने घर में देखते हैं या दूसरों क्या देखते हैं, दोस्तों से इंस्पायर होते हैं, कज़न से इंस्पायर होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लिमिटेशंस, आपने पहले उनको एक्सप्लेन अच्छी बुरी चीज़ें करें। ठीक है, अगर आप कोई उन पर पाबंदी लगा रहे हैं तो आप उनको एक्सप्लेन करें। आजकल के बच्चे सवालात बहुत पूछते हैं। ठीक है, पाबंदी लगा रहे हैं तो आप उनको एक्सप्लेन करें, अच्छे तरीके से करें, मिसालें देके करें। ठीक है, तो वो बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल आपकी बात समझेंगे, आप पेरेंट हैं, आपकी ही बात सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से वो समझेंगे। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिजिडनेस नहीं दिखाएं, उनके साथ बदतमीजी नहीं करें तो वो भी आपके साथ, वरना वो यही चीज़ें करेंगे। ठीक है, उनको प्यार से समझाएं, एक बार समझाएं, आप पे पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको प्यार से समझाएं, हर तरीके से समझाएं, डांट के समझाएं, अच्छे तरीके से समझाएं, जिनकी बात वो सुनते हैं आप उनके ज़रिए उनको समझाएं, चाहे वो मामा पापा हों, कोई खाला हो, कोई मामू हो, कोई दादू हो, कोई नाना हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी चीज़ में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग के लिए, उनको अच्छा माहौल देने के लिए, उन पे चेक इन रखने के लिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कोई उनके दोस्त हैं उनके ज़रिए कहलवाएं, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप खुद सिर्फ कोशिशों में नहीं लगे रहें, रिपीटेशन, इससे वो इरीटेट होंगे। ठीक है, आपके सामने भी कोई चीज़ रिपीट की जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा इरीटेशन पैदा करती है। तो आप कोई और तरीके देखें, उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करें कि आपने अगर कुछ चीज़ पर पाबंदी लगाई है तो क्यों लगाई है, कैसे लगाई है, उनको एक्सप्लेन करें, उनको एग्जांपल्स दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक बात और, इस तरह से उनके जो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पे रखें चेक कि किस तरह से लोगों से मिलते हैं, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखें तो उनके बारे में सवालात करें, उनको पिक एंड ड्रॉप दें, स्पेशली लड़कियाँ क्या, लड़के भी मैं समझती हूँ आजकल महफूज नहीं है, आजकल कोई महफूज नहीं है, तो अगर पेरेंट्स या भाई वगैरह कोई पिक एंड ड्रॉप वगैरह दे सकता है किसी गैर मर्दों के हाथों, गैर लोगों के हाथों, बिल्कुल स्पेशली लड़कियों को तो बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाप और भाइयों पर भरोसा, और इसके अलावा किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कितने ही अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अच्छे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अपनी अपनी चीज़ें अपने साथ ही रखनी है, इस तरह से अगर पिक एंड ड्रॉप दे सकते हैं उनको, उनके उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगाएं, आजकल लोगों पे पाबंदियाँ ये होता है कि उसका उल्टा असर होता है, इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, वो ज़िद्दी बदतमीज़ हो जाते हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जा सकते हैं, अगर आप उनको कहीं पार्टी करने जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, तो आप जाएँ, आप उनके साथ भी जा सकते हैं कि वो किस तरह के लोगों से मिलजुल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, और उनको अगर फेसबुक पे वो दोस्तियां करते हैं या इस तरह के एप्लीकेशन पे करते हैं, तो आपने उनको समझाना है कि हाउ मच दे कैन बी हार्मफुल फॉर देम। हमने पास में ऐसे भी केसेस देखे हैं, चाहे वो बच्चों के हों चाहे वो बड़ों के हों, इवन बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई, लड़के को, मुझे याद पड़ता है वाक्य कि फेसबुक पे भी उस पे दोस्ती हुई थी अपनी ही उम्र के लड़के से, ही वॉज आई थिंक 13-year-old बॉय, और उसको अगवा करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उनको प्यार से बात करने की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। ठीक है,
और इस तरह से धुआं जहरा केस में यही हुआ था कि 3 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है, आपको बच्चों को इस तरह से दोस्त रखना है उनका। आज पेरेंट जो है वो सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं बच्चों को, ठीक है, चाहे वो मदर हो या फादर हो या दोनों हो, ठीक है। आपने उनको उनके साथ आपने उनसे ऐसा रिलेशन रखना है कि वो आपके दोस्त हों, वो आपको हर चीज़ आके बताएं, आपसे झिझके नहीं, आपसे डरे नहीं कि अगर वो आपको ये बात बता देंगे तो आप उनको मारेंगे डांटेंगे। ये बे इंतहा ज़रूरी है। पहले तो ये होता था कि बच्चों को डांट डपट कर दिया जाता था, ये कर दिया जाता था, लेकिन आजकल के बच्चे दे आर इंटायरली डिफरेंट। वो किस तरह के बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा उन पे पाबंदी रखें, उन पे कुछ उनके रूल्स बना दें कि आपने ये रूल्स ज़रूर फॉलो करने, जैसा कि मैंने आपके पिछली वीडियो में बताया था कि रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं। अच्छा, अगर आप उनको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स दे रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने कमरे में वो आप यूज़ करवाएं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, आपका आईपैड हो या फिर मोबाइल हो, उनसे कहें आपने जो काम करना है आप सामने करें, ठीक है, और उसके बाद बंद करके वो चीज़ें अपने ही कमरे में रखें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बिगड़ने की कोई उम्र होती है, टीनेजर्स बच्चे हैं तो वो भी बिगड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो किसी गलत चीज़ों में गलत कामों में पड़ सकते हैं, तो आपको ज़रूर चेक रखना है व्हाट दे आर डूइंग इन द मोबाइल, व्हाट दे आर यूजिंग, होम दे आर टॉकिंग, व्हाट दे आर प्लेइंग, किससे बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर आपको चेक रखना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी वाक़ा हो सकता है, दुआ जरा जैसा किसी के साथ भी हो सकता है। हालाँकि शी वॉज उसके जो पेरेंट्स हैं दे आर फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, और आप देख लीजिए उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, किस तरह से वो चली गई आराम से, पूरी प्लानिंग करके आराम से गई थी, उसको पता था कि ये लोगों के साथ जा रही है, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया कि किस तरीके से जो है वो उसको आगे उसके साथ कार्रवाई करनी थी, उसको बेचा जाना था। ऑब्वियसली अभी नहीं बेचते तो 6 महीने बाद भेजे थे, तो उन्होंने जब उन लोगों को पता चला कि ये जो है अब तो मामला बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया है, तो उन्होंने पूरा फैमिली का ड्रामा रचाया कि जनाब ये शादी हुई थी, ये हुआ था, ये हुआ था। वो अभी भी मेहदी अली काजमी को वीडियोस और पिक्चर्स के हवाले से ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे भी मांग रहे थे। जो मैंने उनका केस वो देखा था, ARY पे देखा था, दे वर आस्किंग फॉर द मनी फॉर दिस गर्ल। तो ये पूरा बहुत बड़ा गैंग है और ये पंजाब वाले ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन सारी चीज़ों में, तो उनसे ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। आपके बच्चे कहाँ दोस्तियाँ कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, उनको प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के बताने बे इंतहा ज़रूरी हैं। पेरेंट्स से फिर मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको उनकी हर एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। इट्स नॉट ओनली के टीन एज, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, मिड एज के बच्चे हैं, हर बच्चे पर और हर उम्र में उन पे चेक इन रखना बे इंतहा ज़रूरी है। बे इंतहा ज़रूरी है कि कहीं वो इस तरह के लोगों में, लड़के स्पेशली इस तरह के लोगों में तो उठ बैठ नहीं रहे कि वो स्मोकिंग करते हैं या कोई नशा अल्लाह ना करे करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो चेक इन रखें बच्चों पे बहुत ज़्यादा, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, उनके फ्रेंड्स पे, उनके सर्कल्स पे, उनके एक्टिविटीज़ पे, उनके स्कूल एक्टिविटीज़ पे, और स्कूल के सर टाइम पे आ रहे हैं, अगर वो आ रही नहीं रहे तो कितनी देर में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल से जब निकले थे तो कब आए थे, घर कब आए थे, आप उनके हर चीज़ के शेड्यूल बनाएं, उनको इतना मसरूफ रखें कि उनका वो उस चीज़ों में बिज़ी रहें, ठीक है। आपका ख़ुद भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपने बच्चों को अलग करके उनको कुछ करके छोड़ दिया, नहीं, आपको आजकल भी जो पेरेंटिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने हर चीज़ में ख़ुद इन्वॉल्व होना है। अदरवाइज़ आपको पता है बच्चों पे भी पैनिक अटैक्स होते हैं, बच्चों पे भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वो, तो उनके दोस्त बनवाएं, बिल्कुल बनवाएं, और लेकिन आपने, आपकी फ़ैमिली ने पहले ख़ुद दोस्त उनका रहना है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू। आइडियाज़ बाय सहारा।